पिकासो स्पेन में जन्मे एक अति प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपए में बिका करती थी। एक दिन रास्ते से गुजरते समय एक महिला की नज़र पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाएंगे? पिकासो हंसते हुए बोले, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फिर कभी आपके लिए पेंटिंग बना दूंगा। लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली, मुझे अभी एक पेंटिंग बना दीजिए, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अपने पेन से उस पर कुछ बनाने लगे। करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, यह लो, यह मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। महिला को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 सेकंड में जल्दी से एक काम चलाओ पेंटिंग बना दी है और वह बोल रहे हैं कि मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। उसने वह पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले ही अपने घर आ गई। उसे लगा पिकासो उसको पागल बना रहा है। वह बाजार गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह पेंटिंग वास्तव में मिलियन डॉलर की थी। वह भागी भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली, सर आपने बिल्कुल सही कहा था, यह तो मिलियन डॉलर की ही पेंटिंग है। पिकासो ने हंसते हुए कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वह महिला बोली, सर आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनानी सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना दी है, वैसे ही मैं भी 10 सेकंड में न सही 10 मिनट में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूं, मुझे ऐसा बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, यह पेंटिंग जो मैंने 10 सेकंड में बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है। मैंने अपने जीवन के 30 महत्वपूर्ण साल सीखने में दिए हैं, तुम भी दो और सीख जाओगी। वह महिला अवाक और निशब्द होकर पिकासो की तरफ देखती रह गई। दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होते देखते हैं तो हमें यह सब बड़ा आसान सा लगता है। हम कहते हैं, यार इस इंसान ने तो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन उस एक सफलता के पीछे कितने वर्षों की मेहनत छिपी है, यह कोई नहीं देख पाता है। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, शर्त यह है कि सफलता की तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है। जो खुद को तपाकर संघर्ष का अनुभव हासिल करता है, वह कामयाब हो जाता है। लेकिन दूसरों को लगता है कि वह कितनी आसानी से सफल हो गया। परीक्षा तो केवल 3 घंटे की होती है, लेकिन उन 3 घंटों के लिए पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हैं? सफलता अनुभव और संघर्ष मांगती है, और अगर आप देने को तैयार हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलता रह पथ पर, चलने में माहिर बन जा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।